बायोलॉजी के शॉर्ट्स के बाद आज पहली डिटेल्ड क्लास है, और आज पहली डिटेल्ड क्लास है जिसमें हम लोग आज जानेंगे बायोलॉजी में ब्लड के बारे में, ह्यूमन ब्लड। जो ह्यूमन ब्लड का काम क्या है कि पूरे शरीर में कंट्रोल नियंत्रण रखना, पूरे शरीर में नियंत्रण रखना मतलब हुआ ब्लड में जो होता है सबसे महत्वपूर्ण अगर काम है इसका तो पूरे शरीर को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। जैसे ब्लड, ह्यूमन ब्लड जो होता है, आज हम लोग ब्लड के बारे में जानेंगे। ब्लड जो है जिसको हम लोग खून कहते हैं इंग्लिश में, और खून किस कलर का होता है तो लाल कलर का खून होता है, रेड कलर। अब रेड क्यों होता है ये भी बताया जाएगा। जैसे ब्लड, ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड में तीन हिस्से महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहला आरबीसी जिसका काम है रेड ब्लड सेल्स, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, और तीसरा काम है क्या चीज, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का मतलब हुआ प्लेटलेट्स, हम लोग समझ सकते हैं तीन हिस्से आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स से हम लोग आज जानेंगे कि ब्लड में ये तीन चीज क्यों जरूरी है। तो ब्लड के तीन सिपाही है, ब्लड के तीन सिपाही आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का रंग क्या होता है तो ये लाल होता है, कौन कलर का होता है तो रेड होता है। डब्ल्यूबीसी तो नाम से ही स्पष्ट है व्हाइट होता है, ठीक है। और प्लेटलेट्स इसमें महत्वपूर्ण होता है, इसका काम क्या होता है, जैसे प्लेटलेट्स इसका रंग नहीं होता है, इसका होता है विटामिन के, ठीक है, विटामिन के, आगे डिस्कस किया जाएगा इसका। आरबीसी का महत्वपूर्ण काम अगर देखा जाए तो आरबीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें होमोग्लोबिन पाया जाता है। होमोग्लोबिन आरबीसी में होमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण क्या करता है ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। इसका काम क्या है, पूरे बॉडी को ऊर्जा देने का काम करना, क्या करना, ऊर्जा यानी कि एनर्जी प्रोवाइड, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। व्हाइट ब्लड सेल्स इसका काम क्या है तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, क्या प्रोवाइड करवाना, प्रोटेक्शन। तो किससे प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीज। जब भी हम लोग को जब सांस लेते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया चले जाते हैं, तो उसमें कुछ क्या होते हैं यूजफुल बैक्टीरिया और कुछ होते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया। हार्मफुल बैक्टीरिया हम लोग को नुकसान ना पहुंचाए तो उसके लिए हमेशा सिपाही तैनात करके रखता है, कौन, खून। हम लोगों का खून हमेशा सिपाही तैनात करके रखता है, और तैनात करके रखता है ताकि वो देख सके कि कौन यूजफुल बैक्टीरिया है और कौन हार्मफुल बैक्टीरिया। तो यूजफुल बैक्टीरिया चला जाता है, हार्मफुल बैक्टीरिया को रख दिया जाता है। दूसरा प्रोटेक्शन, अब प्लेटलेट्स का क्या काम है, तो प्लेटलेट्स सिर्फ ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब हुआ जब भी हम लोग का हाथ कभी कटता है छिलता है तो खून जब रिलीज हो जाता है, खून रिलीज होने लगता है, खून रिलीज होना जो काम होता है उसको रोकने का काम करता है कौन, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट समझ गया। अब देखिए डब्ल्यूबीसी के तीन और सिपाही है, डब्ल्यूबीसी के तीन और सिपाही जो हम लोग जानते हैं कि डब्ल्यूबीसी में तीन सिपाही जैसे क्या क्या, तो हम लोग जान सकते हैं डब्ल्यूबीसी ग्रेनुलोसाइट, कौन सा साइट, ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है, ग्रेनुलोसाइट इसका नाम ये रख सकते हैं। लिम्फोसाइट, कौन सा साइट, तो लिम्फोसाइट जो लिम्फ का काम करेगा, ठीक है। और ये जो हो जाता है मोनोसाइट्स, ठीक है, इसका नाम रखा गया। आरबीसी को हम लोग दूसरे भाषा में क्या बोल सकते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, क्या बोल सकते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स। अब यहां तीन हिस्से मतलब डब्ल्यूबीसी जो तैनात किया है सिपाही को, तो डब्ल्यूबीसी क्या देखता है कि कौन सा हार्मफुल बैक्टीरिया, तो हार्मफुल बैक्टीरिया को ये तीनों सिपाही मिलकर खत्म कर देते हैं। इसमें से एक सिपाही क्या करता है, जो यूजफुल बैक्टीरिया है उसको अंदर ले लेता है, और जो हार्मफुल बैक्टीरिया उसको यहीं से मार मुड़ के खत्म कर देता है, एक काम यही करता है। तीन हिस्से, ग्रेनुलोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। तीसरा चीज हम लोग देख रहे हैं कि आरबीसी का रंग लाल होता है, तो आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है, तो इसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है, हेमोग्लोबिन जिसके कारण खून का रंग लाल होता है। खून का रंग लाल होगा किसके कारण, तो हेमोग्लोबिन के कारण। हेमोग्लोबिन का मेन काम क्या है, इसका मेन वर्क अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन सपोर्टर मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा किसको, तो हम लोगों के शरीर में जितनी भी सेल्स है उसको काम करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, मतलब कि ऑक्सीजन का जो जरूरत है वो प्रोवाइड करने का काम करेगा होमोग्लोबिन। दूसरा ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होगा कौन, तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होगा विटामिन के, जैसा कि पहले बताया गया था विटामिन के। विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होता है, इसमें हम लोग ब्लड क्लॉटिंग का समझ सकते हैं। तो ब्लड के महत्वपूर्ण हिस्से आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जिसमें आप लोग समझ गए कि आरबीसी एनर्जी देगा, डब्ल्यूबीसी प्रोटेक्शन करेगा, यानी कि प्रोटेक्शन इसको हम लोग शॉर्टकट में समझ सकते हैं रक्षा, ठीक है, रक्षा करना, ठीक है। और इसका काम क्या है कि जब कट छिल गए, कट छिलने के बाद भरने का काम कौन करेगा, तो भरना, यानी कि इसका काम भरना।
आप लोग याद रख सकते हैं ब्लड को तीन काम से, ऊर्जा, लड़ना और भरना। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं किसको, ह्यूमन ब्लड को। ह्यूमन ब्लड के बाद ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार होता है, किससे कौन सा ब्लड जाता है, तो इसको भी बताया जाएगा जब हम लोग जानेंगे ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त कणिका है। तब तक वीडियो में बने रहें और चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें। धन्यवाद।